डी बाइकर की नेक्स्ट एपिसोड में आज हम चल रहे हैं गुजरांवाला, और गुजरांवाला की आपको सैर कराएंगे। और गुजरांवाला बड़ा तारीखी शहर है, और यहाँ की वो तारीखी इमारत हम विज़िट करेंगे, यहाँ के खाबे खाएंगे जो गुजरांवाला की पहचान है, और मुख्तलिफ डिशेज़ हैं, सीरी पाए हैं, और ख़ास तौर पे चीड़े बटेरे और चांपें और इस तरह की काफ़ी डिशेज़ हैं जो गुजरांवाला की मशहूर हैं। गुजरांवाला की मशहूर शख्सियात को मिलेंगे, कुछ हम सोशल वर्कर से मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट से मिलेंगे, चैरिटी एक्टिविटीज़ में हम शिरकत करेंगे। तो इसी तरह हम काफ़ी ज़्यादा आज की सरगर्मियाँ हैं, हमारे साथ रहिए। नाश्ते का टाइम हो गया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और मैंने तो पहले प्लान ही किया था कि सबसे पहले गुजरांवाला में दाखिल होते हुए मैंने नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद ही मुझसे कोई काम होगा, उसके अलावा नहीं। और कोशिश करते हैं कि कोई अच्छा देखते हैं, कोई ख़ास कोई नाश्ता जो मिलता है वो करते हैं, जो यहाँ की फेमस कोई डिशेज को हम देखते हैं वो करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम गुजरांवाला में हैं, और गुजरांवाला की बहुत ही बड़ी एक बड़ा नाम एक हाजी अब्दुल गनी पाए वाले, सिरी पाए वाले, और गुजरांवाला का क्या मशहूर है कि यहाँ लोग खाने के लिए ही जिंदा हैं, दिन रात यहाँ खाने चल रहे होते हैं, और गुजरांवाला का खानों का टेस्ट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ हाजी अब्दुल गनी जो सिरी पाए वाले हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है सिरी पाए के हवाले से, और ख़ास रेसिपीज़ हैं, आज हम इसको टेस्ट करते हैं और इनसे रेसिपीज़ को पूछते हैं कि क्या चीज़ें हैं कि ये इतनी इनमें इनके खानों में इतना टेस्ट आता है, और पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ खाना खाने के लिए। चलते हैं जी अंदर, सिरी पाए इंजॉय करते हैं गुजरांवाला के। इस वक्त हम गुजरांवाला में हैं, और हाजी अब्दुल गनी जो सिरी पाए है, गुजरांवाला की बहुत मशहूर जगह है, और यहाँ बहुत ज़्यादा दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। इंतज़ार अब मज़ीद नहीं हो रहा, और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, आप भी मेरे साथ रहिए। बहुत ही स्पेशल यहाँ की डिश है, और दिल करता है कि ये सारी प्लेटें मैं खा जाऊँ। चलते हैं जी, खाना खाते हैं अब, और टाइम वेस्ट नहीं करना मैंने, और जल्दी जल्दी खाना खाना है। बहुत ही टेस्टी जी, मज़ेदार, और टेस्ट करते हैं इसको और खाते हैं, और आप भी जब भी गुजरांवाला आए यहाँ ज़रूर टेस्ट करें। और ये अभी इनके जो ओनर हैं उनसे भी डिस्कस करते हैं, मुझे अभी जान के बड़ी हैरत हुई कि ये 70 ईयर ओल्ड ये इनका ये शॉप है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिलाल भाई, ये कब से ये कारोबार आपका ये स्टार्ट है? ये 1953 से कायमशुदा है, हमारे दादा अबू ने ये शुरू किया था काम, तो 1953 से ये मतलब ओपन है। अच्छा, और इसमें कोई ख़ास मिसाला जाता है कि लोग इतनी दूर दूर से आके खाते हैं, कैसे तैयारी होती है, कितना टेस्टी? इसमें ख़ास मसाला जात तो यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद शरीफ पढ़ते हैं हम। अच्छा। जब भी खाना पकता है दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जब चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये उन्हीं का ही सारा मामला है। माशाल्लाह। और आप पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तान के बाहर से लोगों को मैं यही मैसेज दूंगा कि वो आएँ, विज़िट करें, और उनको बड़ा मज़ा आएगा, और बहुत इंजॉय करेंगे। उसामा भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो आपको देख के लगता है कि कोई वाकई कोई बॉडी बिल्डर, कोई न्यू बट या इस तरह का कोई बट है बॉडी बिल्डिंग, तो जिम जाते होते हैं? जिम जाते हैं, डेली जाते हैं। जी जी। तो पाए पकाने में मेरे ख्याल में कुछ 30-40 पाए तो आप खुद खाते होंगे, टेस्ट करते होंगे? नहीं नहीं, अंकल जी खुद भी नाश्ता करते हैं, इस तरह लोगों को भी करवाते हैं,
बस साथ साथ ही चलता रहता है, अपना भी खाना पीना सबका लोगों का। तो आउटलेट अभी आपने बनाया, क्या मिशन है आपके आगे, अपने दादा के नाम को लेकर जाने के आगे क्या मिशन है, क्या टारगेट किया हुआ है? इंशाल्लाह इसको हम बढ़ाएंगे ज़रूर, वालिद साहब की दुआओं से, बड़ों की दुआओं से, तो इंशाल्लाह इसको रन करेंगे। इसके बाद फिर आउट ऑफ सिटी जाएंगे, इस तरह करके जितना भी जो मामला हमारे नसीबों में होगा हमें ज़रूर मिलेगा, इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे। जी इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुजरांवाला में मौजूद हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा दस्तरखान का ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, डेली बेसिस पे 3 टाइम का खाना दिया जाता है। चलते हैं जी, विज़िट करते हैं जी। हम इस वक्त फातिमा असद जो दस्तरखान है गुजरांवाला में वहाँ पहुँचे हुए हैं और ये 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, फिर लंच और डिनर। और इनका कहना है कि हम हफ्ते में तकरीबन 5 से 6 दिन हम मीट सर्व करते हैं, यानी क्वालिटी फूड होती है और सब्ज़ी और दालें भी साथ साथ चलती हैं। और इतना अच्छा खाना, बहुत सारे लोग नॉर्मल जो है ना अपने घरों में ऐसा खाना नहीं खाते होंगे जो यहाँ सर्व करते हैं, बड़ी ही क्वालिटी फूड सर्व करते हैं और बिला इम्तियाज़, और ये दूर दराज से लोग आए होते हैं तो उनको ये खाना सर्व करते हैं। ये काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं गुजरांवाला से, बाहर से, शेखोपुरा से और पसरूर से, जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनसे यहाँ लोग आए हुए हैं जिनके प्यारे हॉस्पिटल में दाखिल हैं, और ये उनके साथ उनके जो अटेंडेंट के तौर पे लोग आए हुए हैं तो यहाँ हैं। और ये फातिमा असद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एक रोल मॉडल के तौर पे हमें तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पे की सतह पे इसको स्टार्ट करना चाहिए। खाने पीने का काम अल्लाह ताला का पसंदीदा काम है कि आप खाना खिलाएं मुस्तहिक लोगों को, यतीम लोगों को, लावारिस लोगों को, ज़ईफ़ लोगों को खाना खिलाएं, ये बहुत अच्छा काम है। और जी मैं साथ साथ बताता चलूं कि फातिमा असद जो दस्तरखान है इसके रूए रवां डॉक्टर असद इम्तियाज़ हैं और यहाँ बहुत बड़े बड़े फिजिशियन हैं गुजरांवाला के, बड़ा नाम है। मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने उनको फरिश्ता बना के यहाँ भेजा जो इतने बड़े सेटअप को रन कर रहे हैं। यहाँ फातिमा असद दस्तरखान की जो वॉलंटियर्स टीम है वो मेरे साथ है। मैं थोड़ा सा फातिमा असद दस्तरखान के बारे में कुछ मालूमात लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। फातिमा असद दस्तरखान जी हमारे गुजरांवाला में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की बेटी 2018 में कैंसर से अल्लाह को प्यारी हो गई, वो अल्लाह को प्यारी होते होते और बहुत ज़्यादा घरों में प्यारी हो गई, और वो ऐसा सिलसिला चला है कि उसने अपने डेथ से पहले अपने बाबा से कहा कि बाबा यहाँ लोग बड़े परेशान हैं मतलब खाने की वजह से, भूखे तो उन्होंने कहा ठीक है बस अब मैं जा रही हूँ, आपने जो मेरी शादी के पैसे रखे हैं ना वो आपने लोगों को खाना खिलाना है, बस अल्लाह ताला का काम था कि वो तो चली गई और घरों में बड़ी रोशनियाँ कर गई, सिरसे चला गई। जी इस वक्त हम गुजरांवाला में हैं और मेरी बैग पे बहुत ही खूबसूरत एक हवेली, इसे वाइट पैलेस हवेली कहा जाता है, और ये पार्टीशन के बाद ये थोड़ी सी इसकी हालत खस्ता हो गई क्योंकि यहाँ के जो मकीन हैं वो माइग्रेट होके हिंदुस्तान चले गए और इसकी देखभाल वाला कोई ना रहा, अब ये काफ़ी खस्ता हालत में है और स्टिल
एज इट इज़ है, और इसका आर्किटेक्चर देखें आप, बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग, और कमरे और बालकोनियाँ इसकी देखें, बहुत ही प्यारी। और डी बाइकर आपको दिखाता है अमेजिंग प्लेसेस, वो जगहें जो नॉर्मल लोगों ने नहीं देखी होती या कम लोगों ने देखी होती हैं। तो हमारी कोशिश है कि ऐसी जगहों पे आपको ले जाएं जो पोशीदा हैं, जो हिडन ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान हैं, उन तक हम अपनी रसाई करते हैं। ये गुजरांवाला का ओल्ड पार्ट है, काफ़ी तारीखी हिस्सा है, और मेरी बैक पे आपको गुजरांवाला का क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा, काफ़ी पुराना है, ब्रिटिश टाइम में ये तामीर किया गया और थोड़ी सी इस पर रेनोवेशन की गई, बट अभी भी इस पर काम होने वाला है। इस तरह के क्लॉक टावर आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे, मुल्तान में, हैदराबाद में, गुजरांवाला में, मुख्तलिफ पार्ट में ये इस तरह के क्लॉक टावर बनाए गए। ये बेसिकली जो कारवान थे लोगों को रास्ते की निशानदेही के लिए ये बुलंद टावर बनाए गए, बहुत ही खूबसूरत है। और ये गुजरांवाला का बिल्कुल हार्ट इसको कहें, इस जगह को, क्योंकि ये सारी गुंजान आबाद इलाका है, और ये बाज़ार हैं गुजरांवाला के जो तमाम सीमत में जाते हैं। सराफा बाज़ार भी यहाँ मौजूद है, उर्दू बाज़ार भी मौजूद है, रेल बाज़ार भी मौजूद है, बहुत खूबसूरत है गुजरांवाला। और ये अंदरून गुजरांवाला में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, और अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ लोगों की चहल पहल है और बहुत ज़्यादा रश है। इवन मेरी बाइक को यहाँ से गुजरना जो है ना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। चलते हैं जी गुजरांवाला की सैर करते हैं, गुजरांवाला के डिफरेंट बाज़ार और गलियों को एक्सप्लोर करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। डी बाइकर्स ऐसी ऐसी जगहों पे हम आपको ले जाते हैं जहाँ नॉर्मली लोग बहुत कम जाते हैं, और जो हिडन सीक्रेट्स हैं वो हम दिखाते हैं आपको। आज देखें आपको ये दर्जियाँ वाली कोठी मशहूर है, ये इसको 1925 में इसको बनाया गया, तकरीबन इसको अप्रोक्सीमेटली 100 साल होने वाले हैं इस बिल्डिंग को। और इसका आर्किटेक्चर देखें, बहुत ही आला, और ये डिफरेंट इसके काफ़ी सारे रूम हैं और तहखाना भी है। मौसम के हवाले से इसको बड़ा अच्छा बनाया गया, और ये एक बहुत बड़ा एसेट है, और दुआ है कि इस तरह की इमारत बाकी रहें, क्योंकि ये डिमोलिश होती जा रही हैं, लोग ख़त्म करते जा रहे हैं, और तवज्जो ना होने की बेस पे वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं। बहुत आलीशान बिल्डिंग। इस वक्त हम गुजरांवाला में हैं, और मेरी बैग पे गुजरांवाला का रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराना है, तकरीबन 150 ईयर ओल्ड ये रेलवे स्टेशन है, 150 साल पुराना, ब्रिटिश टाइम का ये बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और ये मरकज़ी रेलवे स्टेशन है, और ये जंक्शन भी है, जब लाहौर से आप पिंडी की तरफ ट्रैवल करते हैं तो ये एक मेन रेलवे स्टेशन है। चलते हैं जी स्टेशन को ज़रा विज़िट करते हैं, डी बाइकर्स की टीम आज रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर करेगी।
अभी इस वक्त हम शेरांवाला बाग गुजरांवाला में मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुराना कदीम ये बाग है और ये मेरी बैग पे बारादरी है। और ये शेरांवाला बाग के बारे में कहा जाता है कि रणजीत सिंह ने ये बाग बनाया और यहाँ वो दरबार एक लगाता था और लोगों की बातें वो यहाँ सुनता था और यहाँ उसकी एक अदालत लगती थी। और ये भी कुछ तारीख में है कि यहाँ गेट पर शेरों के मुजस्मे थे बड़े, जिसकी वजह से इसका नाम शेरांवाला बाग बन गया। रणजीत सिंह ने ये सारा बनाया और बहुत ही खूबसूरत बारादरी है और इसके क्रॉस वेंटिलेशन के हवाले से इसको हवादार बनाया गया कि चारों साइडों पे इसकी हवा का गुजर हो और यहाँ बैठ के बहुत ही एक पुरसकून और बड़ी खूबसूरत होता होगा जिस वक्त ये जगह आबाद होती होगी, जहाँ शहजादे शहजादियाँ मलकाएँ और बादशाह जहाँ बैठ के अपना दरबार लगाते होंगे। बहुत खूबसूरत है, इसको देखते हैं जी इन साइड भी, बारादरी की आपको सैर कराते हैं, हमारे साथ रहिए। जी इस वक्त हम गुजरांवाला में हैं और ये गुजरांवाला का बड़ा ही गुंजान आबाद और बहुत ही भरा बाज़ार है, मुस्लिम रोड बाज़ार, और ये मशहूर है स्टेनलेस स्टील के बर्तन के हवाले से। और ये हम एक डिस्प्ले में आए हुए हैं, आपको यहाँ अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ किचन की तमाम एक्सेसरीज अवेलेबल हैं और ये मेड इन गुजरांवाला हैं। और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में ये एजाज़ है कि यहाँ से बर्तन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बड़ी क्वालिटी के बर्तन हैं। और किचन की छोटी से छोटी चीज़ से लेकर किचन के बड़े पतीले और बड़े बर्तन तक आपको देखें, जार्स देखें, दूध के, ऑयल के, कुकिंग एक्सेसरीज और सर्विंग एक्सेसरीज तमाम यहाँ अवेलेबल है। और मुझे तो देखकर हैरानगी हो रही है कि ये हमारी जो प्रोडक्ट हैं जो मेड इन गुजरांवाला हैं, ये किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा, हम शॉप को और विज़िट करते हैं और ये कुछ इनके जो रिव्यूज़ हैं वो भी लेते हैं कि ये कैसे तैयार होती हैं और ये मुख्तलिफ जगहों पे तैयार हो के मार्केट में कैसे आती हैं, इन इसके बारे में थोड़ी गपशप लगाती हैं। जी इस वक्त मैं गुजरांवाला में हूँ और ये मुस्लिम रोड जो मशहूर है स्टेनलेस स्टील के बर्तन के हवाले से, और ये कहा जाता है कि एशिया की बड़ी मार्केट है जो यहाँ स्टेनलेस स्टील के बर्तन सेल करते हैं। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये मीर अलियास एक बहुत बड़ा ब्रांड है स्टेनलेस स्टील के हवाले से, और इनके पास मोर देन 1000 वेराइटीज़ हैं बर्तनों की और किचन एक्सेसरीज़ की, फ्रॉम स्मॉल पॉट टू बिग पॉट सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। आपका बड़ा नाम है यहाँ मीर अलियास स्टेनलेस स्टील का, पाकिस्तान में बल्कि गुजरांवाला में नहीं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, कब से बिजनेस आपका स्टार्ट? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे जो फोर फादर हैं वो तब से यहाँ पे, जब से पाकिस्तान सेपरेट हुआ है तब से यहाँ पे, हमारी पहले मैन्युफैक्चरिंग में थी लेकिन जब वो भुट्टो एरा आया उसमें वो काफ़ी जो उनसी हैं जो फैक्ट्रीज थी उनको उन्होंने, हम लोगों ने बंद किया, तो फिर हम लोग इसमें आ गए, ट्रेडिंग में आ गए। और अब हम लोग क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। आउटसोर्सिंग से हमारा ये होता है कि हम लोग शीट अपनी इंपोर्ट करके और फिर जो सा ना हम लोग आउटसोर्सिंग करवाते हैं, प्रोडक्ट्स अपनी बनवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थर्ड जनरेशन है, हम लोग 1947-46 से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ जितने बर्तन हैं उनकी डिज़ाइनिंग और उनका आइडिया मूसा भाई का है, तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ कितने आपके पास वेराइटीज़ हैं और ये कम्प्लीटली गुजरांवाला में तैयार की गई? बिल्कुल, ज़्यादातर जो वैरायटी होती है यहाँ पर सारी यहाँ पर ही बनती है गुजरांवाला में। और प्रोडक्ट्स का ये होता है कि विद द टाइम आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है, एक से दो, दो से तीन, आप ऐसा लर्न करते जाते हो। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो स्टील में हैं या बाकी भी हैं, वो ज़्यादातर गुजरांवाला में ही मेड है उनकी।
और ये कहाँ कहाँ आप इनकी सप्लाई कहाँ तक? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यहाँ पूरे पाकिस्तान में भी है, नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान लाइक पंजाब एंड एवरीवेयर, और हमारा मतलब आउट ऑफ कंट्री भी है, यूरोपियन कंट्रीज में लाइक जर्मनी फ्रांस वगैरह, ये हमारे मतलब मेन कंट्रीज हैं जहाँ पर हम अपना स्पाइस देते हैं पोर्टर बेकर। और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके बेहतर है या हम? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चीज़ें, हमारा जो स्टील है, हमारे जो सारे जो जो चीज़ों की फिनिशिंग है, क्वालिटी वगैरह, दैट्स वेरी नाइस, और जो बाहर के लोग हैं काफ़ी इसको पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। जी इस वक्त हम गुजरांवाला में हैं और हमारे साथ गुजरांवाला की बहुत बड़ी हस्ती मज़हर इकबाल रंधावा साहब, माहिरे तालीम हैं, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, और गुजरांवाला के हवाले से कोई भी कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी हो तो आप इनको फ्रंट लाइन पे देखते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में इनका भरपूर किरदार है सिटी के हवाले से, और ओवरऑल भी ये गुजरांवाला को देख रहे होते हैं पॉलिटिक्स में, रिलीजन में, सोशल एक्टिविटीज़ में, ओवरऑल ये सारा तो इनकी काफ़ी मुतालिया है इनका गुजरांवाला की हिस्ट्री के बारे में। तो कुछ मज़हर साहब से, रंधावा साहब से कुछ मालूमात लेते हैं कि गुजरांवाला इतना पुराना शहर, महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पैदा हुआ, उसने यहाँ से ही इतनी बड़ी सल्तनत का आगाज़ किया, और पहलवानों के हवाले से भी ये शहर मशहूर है, और भी बहुत कुछ इसका है। तो यहाँ की जो प्रोमिनेंट शख्सियात हैं उनके बारे में इनसे कुछ मालूमात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, गुजरांवाला की शख्सियात का ज़िक्र किया तो जब हम गुजरांवाला की तारीख को देखें तो हमें हर शोबे में बेशुमार शख्सियात का ज़िक्र आता है। जब पाकिस्तान बना तो पहले जो कायज़म मेडिकल मिशन बना उसके जो सरबराह थे उनका ताल्लुक गुजरांवाला से था, जनरल शौकत रज़ा, वो गुजरांवाला की बड़ी मारूफ शख्सियत थे। जनरल शौकत रज़ा कहते हैं कि जब मेरी इंडियन मेडिकल मिशन के हेड से बात हुई तो उसने मुझे पूछा कि तुम जब आए हो तो तुम्हें कुछ कहा गया था कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब हम लोगों ने सर्विसेज का आगाज़ किया तो काज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमें एडवाइस किया कि आप बीइंग डॉक्टर जा रहे हैं मैदान में, तो चूंकि उस वक्त आपको पता है फसादात का दौर था, आपस में लड़ रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख फसादात और लोग ज़ख्मी हो रहे थे, काज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें कहा कि आप बीइंग डॉक्टर जहाँ भी किसी भी इंसान को ज़रूरत हो उसकी मदद कीजिएगा। वो जनरल शौकत रज़ा फरमाया करते थे कि जब ये बात मैंने अपने उस सिख कुलीग को बताई जो इंडियन मेडिकल मिशन को डील कर रहा था, उसने कहा 100 गुरु दी सब कॉन्टीनेंट की लीडर कायदे आज़म ही है। ये एक बड़ा ट्रिब्यूट है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को। इसी तरह गुजरांवाला में सोशल वर्क पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक बड़ी शख्सियत मियाँ रफ़ीक अनवर थे। यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है रफ़ीक अनवर हॉस्पिटल, शायद हमारे डिवीजन में ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा सेंटर वही है। मियाँ साहब की अहलिया जो है वो जो है दौरान जच्चगी उनकी डेथ हो गई थी, और प्रॉपर मेडिकल केयर ना मिलने की वजह से उसके बाद मियाँ साहब ने अपने दोस्तों के साथ मिलके पहले एक डिस्पेंसरी बनाई, फिर एक सेंटर बनाया, हॉस्पिटल बनाया, फिर वो हॉस्पिटल फैसल हॉस्पिटल के नाम पे मरूफ रहा, और बड़े लोग थे उस हॉस्पिटल में, मियाँ साहब अकेले नहीं थे, उनकी बड़ी टीम थी। अज़ीज़ुल्अफ़कार एक गुजरांवाला का एक बहुत खूबसूरत नाम है, इखलाकियात की सियासत करना और इखलाकी अंदाज में इख्तलाफ राय करना, अगर कोई आज भी सीखना चाहे तो उनकी ज़िंदगी को ढूंढ के सीखा जा सकता है। इसी तरह इकबाल महमूद दारीवाल जो है उनका बड़ा रोल है। इकबाल महमूद दारीवाल के वालिद जो थे मियाँ ज़ियाउल हक साहब, उनका गुजरांवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बना तो उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे, यहाँ तहरीक पाकिस्तान में एक बड़ा रोल था। पिछले अरसे में बहुत बड़ा नाम जो हमें, एक तो यूनुस पहलवान सितारे पाकिस्तान गुजरांवाला से तलक रखते थे, फिर गोगा पहलवान
उन्होंने एक हमारे शहर के बड़े स्मार्ट पहलवान थे और जारा पहलवान को फिजिक में बड़ा डिफरेंस होने के बावजूद उन्होंने चैलेंज किया था और बड़ी भरपूर फाइट जो है वो लोगों ने देखी थी। एक दफ़ा फिर लगा था कि दोबारा फन पहलवानी ज़िंदा हो जाएगा, लेकिन ये एक और अलमिया है कि मैं समझता हूँ कि ना तो वो वसाइल हैं आज पहलवानों के पास, ना ही सरकारी सरपरस्ती है। इसकी वजह से ये अमलन गुजरांवाला में शायद अब नाम की हद तक जिक्र रह गया है, वरना वो अरूज नहीं है। इसके बावजूद आप रिसेंटली देखें, पिछले 4-5 साल में जितने इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं उनमें पाकिस्तान ने जितने गोल्ड लिए हैं, शायद आपके लिए एक डिफरेंट हो ये, उनमें से मोर देन 80% सिर्फ गुजरांवाला के लोग लेके आए। जी इस वक्त हम गुजरांवाला में हैं और ये आगोश सेंटर है जो यतीम और लावारिस बच्चों का बहुत बड़ा सेंटर है गुजरांवाला में, और पूरे पाकिस्तान में इनकी डिफरेंट आगोश के नाम पे ब्रांचेज हैं और ये एक मास्टरपीस है गुजरांवाला के हवाले से। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैनेजर हैं, यहाँ के केयर टेकर हैं, उनसे हम थोड़ा इस इदारे के बारे में मालूमात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर इकबाल नाम है मेरा जी, यहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं, जिम्मेदारी है मेरी और बच्चों को जहाँ 24 आवर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। कब से सेंटर ये बना हुआ है? 2017 में इसका ओपनिंग हुई थी। अच्छा। और तब से ये बच्चे यहाँ पर रहे। कंस्ट्रक्शन तो 2014 में स्टार्ट हुई। और कितने बच्चे हैं अभी करंट? 120 बच्चे जो यहाँ रात को रहते भी हैं। जी रात को रहते हैं। तालीम के साथ खेलों की सरगर्मियाँ भी बड़ी अहमियत रखती हैं, स्पोर्ट्स की, उस सिलसिले में आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है कि तालीम के साथ साथ फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ है ना उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे के लिए, ग्रोथ स्टेज पे होता है। तो डेली बच्चों को ना गेम्स के लिए भी टाइम निकाला हुआ है। बच्चे डिफरेंट किस्म की गेम्स करते हैं, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, अभी भी बच्चे बैक साइड पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट हो गया, मतलब इसके डिफरेंट गेम्स। अब संडे वाले दिन इवन बॉक्सिंग के लिए कोच रखा हुआ है, वो आता है बच्चों को डेली, वो 5 से 6 बच्चों को ट्रेन कर रहा है कि मुल्की लेवल पर जाकर वो प्रेजेंट करें इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो इस तरह बाकी भी जितनी हमारी गेम्स हैं, सैक रेस है, लॉन्ग जंप है, रस्साकशी है, कोई भी ऐसी गेम नहीं है जो हम बच्चों को करवा ना रहे हो ताकि मुस्तकबिल में किसी ना किसी फील्ड में वो जाकर जरूर सेट जाए। आपका मेन्यू क्या है वीकली, आप थोड़ा सा शेयर कर लें बच्चों को, क्या जो उसकी फूड है वो बैलेंस्ड डाइट उनको मिलती है या नॉर्मल मिलती है, क्या चीज़ है उसमें थोड़ा? जैसे गुजरांवाला वालों के बारे में मशहूर है कि खाने के में बड़े वो शौकीन होते हैं, तो सेम लाइक दैट जो है ना हम लोगों ने बच्चों के लिए भी वैसा ही मेन्यू रखा हुआ है। दाल वगैरह ज़रूर एक आध हफ्ते में एक दिन होती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हमारा, अब भी आप ऊपर जाएंगे भी खाने का भी टाइम होने वाला है, उसमें मेन्यू भी लगा हुआ है, डे बाई डे डिफरेंट होता है। मटन भी ज़्यादातर बच्चे हमारे मटन यूज़ कर रहे होते हैं और ज़्यादातर बिरयानी वो शौक से खाते हैं, पुलाव वगैरह शौक से खाते हैं। तो बच्चों को ज़्यादातर मेन्यू जो हमने बनाया हुआ है वो बच्चों की मशावरे से बनाया हुआ है, जो बच्चा लाइक करता है, लेकिन थोड़ा सा बस हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो बच्चे की सेहत के लिए मुफीद है वही चीज़ रखी जाए, बाकी बच्चे को मोटिवेट करके समझाया जाता है। जैसे बच्चे बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा वगैरह भी हमारे से फरमाइश करते हैं और विद इन मंथ्स हमने वो भी डेज रखे हुए हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने बच्चे को वो भी सर्व की जाती हैं। अभी माइनस 4 से माइनस 8 तक चल रहा है।